इस समय हमारी बात लिम्का बुक रिकॉर्डर और होम्योपैथी जगत में नाम स्थापित करने वाले राष्ट्रीय संस्थापक अपना कल्याणम परिवार श्री एस बी तिवारी जी से हो रही है। तिवारी जी, आने वाली होली पर आप अपने शुभ चिंतकों और क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं समस्त उत्तर प्रदेश वासियों एवं लखनऊ वासियों को अपने कल्याणम परिवार एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करते हैं। आने वाली होली लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी हो और लोगों के दिलो दिमाग में देश के प्रति समर्पण और उत्तर प्रदेश को कैसे हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे और अपने लखनऊ वासियों को कैसे जो है हम स्वच्छ सुदृढ़ एवं स्वस्थ रखते हुए उनकी जन आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे, इसी के साथ हम होली की शुभकामना देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत मेहनत की है चुनाव में, अभी समय आपकी सरकार भी बन रही है, तो सरकार को क्या सजेशन देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं दोबारा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार एवं यशस्वी योगी जी के पुनः मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। होली बाद जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि योगी जी शपथ ग्रहण लेंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार जो है बहुत ही अलग तरीके से कुछ अलग हटके उत्तर प्रदेश वासियों को दे करके और हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व के लिए मिसाल कायम करेंगे योगी जी। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और एक संदेश भी देना चाह रहा हूं कि आप जो है जात पात और किसी भी तरह की छोटी मोटी चीजों से दूर हटके एक ऐसा मिसाल पेश करिए कि इस चुनाव में जैसे हम लोग जा करके और गांव-गांव में जो फेस किए हैं कि लोगों के दिमाग में जो अभी किसी तरह की थोड़ी बहुत हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें रह गई थी जिसे आप ऐसा दूर कर दीजिए कि आने वाले जो 27 का चुनाव है इसमें कोई किसी तरह का 1% भी संशय रह ही न जाए। और रही बात हम थोड़ा सा एक सुझाव, चूंकि मैं मटियारी चौराहे पर रहता हूं और मटियारी चौराहे पे आए दिन इस रोड पे इतना जाम रहता है कि मैं यही कहूंगा कि आप मेट्रो को आप कम से कम 12 बंकी तक बढ़वाइए, ये मेरा सुझाव है। दूसरे डॉक्टर साहब, आप एक भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही की बात काम करते हैं, अगर पार्टी आपको कोई जिम्मेदारी देना चाहती है तो उस पे कैसे निभाएंगे आप? देखिए, हम एक सच्चे सिपाही की तरह काम करते रहेंगे और जिम्मेदारी ऐसी कोई भी जिम्मेदारी पार्टी हमें खुद ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र का काम देख रहा हूं और स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान से भी जुड़ा हूं, लेकिन मैं पार्टी जिस भी तरह से जैसे भी मेरा यूज करना चाहती है करेगी, मैं हर कसौटी पे खरा उतरना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि लखनऊ वासियों की सेवा मैं जो है अपने हृदय से करूं। लखनऊ की जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ करना चाहता हूं। और डॉक्टर साहब, अभी आपने मोदी साहब के जन्मदिन पर एक अपनी रचना सुनाई थी, बहुत लोगों को मन भाई थी, तो अब इस समय कोई रचना हो तो जरा उस पर प्रकाश। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी जो है होली बाद जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और उनके आने से, ऐसे तो योगी जी हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनके दोबारा आने से जो एक खास मुद्दा गर्म हुआ है, मैं उसी पर एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिए। आपके आने से फिर से यूं योगी जी यूपी के मुद्दे कितने गर्म हो गए, चर्चा चारों तरफ बस इसी बात की, चर्चा चारों तरफ बस इसी बात की, आपके आगे सबके करम हो गए। एक बात जो मुझे डर लग रहा है, मैं उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। हमको डर लगता है, भय बड़ा व्याप्त है, सच कहूं अब तो लगने लगा खास है, कोई मजबूत विपक्ष न रह पाएगा, कोई मजबूत
पक्ष न रह पाएगा, बिन निंदक के कैसे निखर पाएंगे आपके आने से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।